तो ये एक सीसीटीवी फुटेज है ऑफिस का और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। यहाँ पर जो होने वाला है आप विश्वास नहीं करोगे। यहाँ पर दो एम्प्लॉयज रात को काफी लेट ऑफिस से निकल रहे थे घर जाने के लिए, और उसके बाद वो दोनों एंटर होते हैं अपने ऑफिस में लगी हुई लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे, उसके बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आती है, गेट ओपन होता है, वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और उनके पीछे एक मिस्टीरियस, ये मिस्टीरियस है, ये क्या है? देखो ना तो ये भूत लग रहा है ना ये शैडो लग रही है, लेकिन ये उस आदमी के पीछे आया कैसे? ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। अगर आप YouTube पर सर्च करोगे घोस्ट इन एलिवेटर तो आपको नंबर वन पर यही वीडियो मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कोई स्कैरी या पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला वीडियो नहीं, बल्कि ये एक कैंपेन का वीडियो था। ये वीडियो इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके कि भाई ऑफिस में ज्यादा लेट तक रुककर काम मत किया करो, जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर घर जाया करो। क्या क्रिएटिविटी लगाई है, मतलब लोगों को लेट काम करने से रोकने के लिए बता दिया कि ऑफिस में भूत भी मिल सकता है, ताकि आधे से ज्यादा एम्प्लॉय तो डर के मारे जल्दी अपना काम निपटाकर घर चले जाया करें। तो वेलकम टू द अनदर फाड़ू वीडियो, और आज के इस वीडियो में मैं काफी खुश नजर आ रहा हूं, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियो और फोटो जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हुए, और ये सब चीजें हमको सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, क्या वाकई में ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर होते हैं। यार आज का वीडियो पूरा और ध्यान से जरूर देखना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम खोलने वाले हैं ऐसे ही फोटोज और वीडियोस की पोल। तो अगर वीडियो के कमेंट में फर्स्ट 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 लिखने से फुर्सत मिल गई हो तो भैया वीडियो पर जरा ध्यान दो, क्योंकि शुरू होने वाला आज का फाड़ू वीडियो जिसका टाइटल है अनएक्सप्लेन्ड वायरल फोटोज दैट हैव बीन फाइनली सॉल्वड। तो ये है उस टाइम ट्रेवलर की फोटो जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हुई थी। बहुत सारे यूट्यूब वालों ने लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया बता बता करके, भैया ये टाइम ट्रेवलर है, ये बंदा भविष्य से आया था, जरा इसके चश्मे देखो, इसकी टी शर्ट देखो, इसका लुक देखो, एकदम ऋतिक रोशन लग रहा है। यार एक पल के लिए तो मैं भी सोचने लग गया था कि यार ये इतना मॉडर्न जमाने का आदमी उस सदी में कर क्या रहा था, कहीं ये सच में कोई टाइम ट्रेवलर तो नहीं था जो भविष्य से आया हो। लेकिन जब इस फोटो पर रिसर्च की गई तो पता चला भैया ये सारी चीजें जो उसने रखी है, जैसे कि टी शर्ट, गॉगल और उसके गले में टंगा हुआ कैमरा, ये सारी चीजें उस जमाने में मिला करती थी। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई टाइम ट्रेवलर नहीं था। हाँ लेकिन ये बंदा दिखता बड़ा कूल था, जिसे दिखा दिखा कर बहुत से लोगों को फूल बनाया गया। अब आते हैं मेरे फेवरेट फोटो की तरफ, जो कि है भाई असली जलपरी का फोटो। वैसे तो सच में मैं भी चाहता हूं कि जलपरी असलियत में हो और मैं लाइफ में एक बार उसे जरूर देखूं। और जब मैंने ये फोटो देखा था तो मुझे यकीन हो गया था कि यार वाकई में जलपरियां होती थी, लेकिन अफसोस कि ये एक फोटोशॉप की गई फोटो है। अब आप बोलोगे कि क्या सबूत है कि भाई ये फोटो नकली है, तो भाई इसका सबूत है ये असली फोटो जिसके नीचे के हिस्से पर एडिटिंग करके उसको जलपरी जैसा बना दिया गया था। खैर जिसने भी ये एडिटिंग करी है भाई उसको 21 तोपों की सलामी। ये पिक्चर इंटरनेट पर भयंकर वाली वायरल हुई थी। बताया गया था कि जब न्यूयॉर्क में हरिकेन सैंडी आया था ये तब क्लिक की गई थी। इस फोटो को देखकर लोगों के मन में दहशत आ गई थी कि भाई प्रलय आ गई है, धरती का अंत आ गया है। लेकिन सस्पेंस को खोलते हुए मैं बता देता हूँ कि भाई ये एक मूवी के सीन का स्क्रीनशॉट है, और उस मूवी का नाम है द डे आफ्टर टुमारो, जो कि मेरी तो पर्सनल फेवरेट मूवी। अगर आपने भी देखी और आपको पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बता देना। जब वीडियो गौरव कटारे एक्स्ट्रा के चैनल पर हो और भूतों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक वीडियो था जो 2003 में वायरल हुआ था। इसके बारे में बताया जाता है कि एक फार्म हाउस पर ली गई तस्वीर थी जिसे एक बूढ़ी औरत ने खींचा था, और इस पर एक लड़के का, एक फार्म हाउस में रहने वाले छोटे से बच्चे के भूत का साया कैप्चर हो गया था। इस फोटो को लेने वाली बुढ़िया का नाम था एंजल। मतलब क्या कोइंसिडेंस है, एंजल ने घोस्ट का फोटो खींच लिया। लेकिन इस बच्चे को जरा ध्यान से देखिए कि आपको ये किसी की याद नहीं दिलाता। अगर आपने स्टार वॉर्स देखी है तो आपको नेकिन स्काई वॉकर जरूर याद आया होगा। भाई ये एक एक्टर है जिसका नाम एक्चुअली में है जैक। मैं इसकी आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ बचपन की, जहाँ से आप पहचान पाओगे कि इस फोटो में दिखने वाला जो भूत है वो कोई भूत नहीं है बल्कि एक एक्टर का फोटो है।
ये एक फोटो है जहां पर कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रेंज क्रिएचर है जो कि न्यूयॉर्क के बीच पर मिला था। क्या आप इस फोटो को देखकर गैस कर सकते हो कि ये कौन सा जानवर है? देखने में तो ये चूहे जैसा लग रहा है, लेकिन ये चूहा नहीं है। इसकी आधे से ज्यादा बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है और ये एक मरे हुए रैकून की डेड बॉडी है। वैसे मुझे उस बेचारे रैकून के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन लोग कितने फालतू हैं यार। एक मरे हुए रैकून की बॉडी को उठाकर उन्होंने मिस्टीरियस क्रिएचर बना डाला। कैसे कैसे झूठ फैलाते यार। इससे अच्छा तो इंस्टाग्राम रील पे जाकर वीडियो बना लो। नहीं मत बनाओ, वैसे ही वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी है। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय इंस्टाग्राम रील्स। हाँ, लेकिन आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अभी नहीं, मैं हर वीडियो में देता हूँ, लेकिन तुम लोग फॉलो ही नहीं करते हो। कोई जबरदस्ती नहीं है, करना है तो करो, नहीं करना तो भी कर दो। ये वीडियो है फेरी पूल ऑफ स्कॉटलैंड का, और ये भैया फोटो देखने के बाद बिल्कुल मेरा ऐसा मन किया कि यहाँ चला जाऊं घूमने के लिए। ये बात अलग है कि स्कॉटलैंड जाने की मेरी औकात नहीं है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन इस फोटो को देखकर ना जाने कितने लोग उल्लू बन गए होंगे, स्कॉटलैंड गए होंगे और उनको ये पूल मिला ही नहीं होगा, क्योंकि भैया ये स्कॉटलैंड में है ही नहीं, ये न्यूजीलैंड में है जो कि स्कॉटलैंड से करीब 3000 माइल्स की दूरी पर है। और वैसे भी ये जगह इतनी सुंदर नहीं दिखती है, असलियत में कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो आप खुद सोचो, इस फोटो को देखकर अगर किसी ने स्कॉटलैंड जाने का प्रोग्राम बना लिया होगा तो वो कितना बड़ा बेवकूफ बन गया होगा। ये फोटो तो आपने 100% देखी होगी बहुत सारे YouTube वीडियो के थंबनेल्स पर, के रहस्यमय क्रीचर मिला है और डेविल आसमान में देखा गया है। ऑब्वियसली ऐसा कोई जानवर हमें तो कभी नहीं देखा और ये फोटोशॉप्ड है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक पतंग है और ये पतंग असलियत में कुछ ऐसी दिखाई देती है, और जब इसका फोटो खींचा जाता है और उसको बाद में एडिट कर दिया जाता है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगती है। वाह, मानना पड़ेगा, मतलब लोग अपनी क्रिएटिविटी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को उल्लू बनाने के लिए। तो ये थे कुछ अनएक्सप्लेन्ड फोटो और वीडियो जो कि इंटरनेट पर वायरल हुए थे। लोगों के दिमाग में इन्होंने खुचुड़ मचा दी थी कि भाई क्या क्या हो सकता है इस दुनिया में, लेकिन जब बाद में रिसर्च की गई तो पता चला कि ये सब के सब नकली हैं। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट से तुमने वीडियो को पहले ही भर दिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो अच्छा सा कमेंट कर देना। और हाँ, ये सीरीज का पहला वीडियो था। अगर आप अनएक्सप्लेन्ड फोटोज को एक्सपोज करने वाले और वीडियो देखना चाहते हो इसी सीरीज के, तो कमेंट करके जरूर बता देना क्या इसका पार्ट 2 बनाऊं। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।